नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं ईशान जावेद आपके साथ। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में समाज सेवी गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाद्यान्न लेकर बाजार में विक्री करने की घिनौनी हरकत कर रहे हैं। ऐसा ही गिरोह का भंडाफोड़ न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम ने किया। पूरे देश में इस समय कोरोना जैसी बीमारी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर गरीब लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है। यहाँ के समाज सेवी संगठन उनको रोटी पहुंचाने के लिए घर घर पर जाकर रोटियां देने की प्रयास कर रहे हैं, साथ ही कच्चा खाना भी उनको पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा एक हम आपको आज दिखाएंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पर वो लोग, वो लड़के जो अपने घर में अपने जो जेब खर्च मिल रहा था उससे कच्चा दाल चावल गेहूं आटा खरीद कर गरीब लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो गरीब लोग उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह घटना जहां पर घटी ठीक 25 कदम की दूरी पर तीनों वाक्य हैं। सामान बेचने वाला भी वहीं मौजूद था, सामान लेने वाला भी वहीं मौजूद था, सामान खरीदने वाला भी मौजूद था। हमने पूरी घटना के लाइव वीडियो कवर किए हैं, आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए पूरी घटना किस तरीके से घटी है। हम लोग शासन की मदद के लिए अपने मुस्लिम समाज ग्रुप के द्वारा हेल्प के द्वारा जो है इनको शासन की हम लोग मदद कर रहे हैं, गरीब आदमियों की। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, इनका पैसा यहाँ अंदर आइए, यहाँ आइए, गल्ला खरीद रही है। देखिए ये पैसा है, ये गल्ला खरीद रही है। हम लोग यहाँ हेल्प के द्वारा किसी तरह सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम लोग आज 15 दिन हम लोगों को शासन से कोई भी एक मदद नहीं है। आप लोग मुस्लिम समाज की तरफ से 4-10 लड़की मिलके हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। आज 25 तारीख से किसी तरह जो है हम लोग एक दूसरे से मिलकर किसी से 5000 व्यवस्था करके आप लोग की खिदमत लगे हुए हैं। परेशानी आज यहाँ खाने की किल्लत मची हुई है और यहाँ पे गल्ला हम लोग ले जाके मदद करवा के और यहाँ बेचा जा रहा है। और ऐसे लोग अभी ये लड़का 5 मिनट पहले है रीवा के एक पुराने मोहल्ले जिसको घोघर मोहल्ला कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोगों ने आपस में ही कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और इकट्ठा करने के बाद उसका कच्चा सामान खरीदा, कच्चा अनाज खरीदा और उन तक पहुँचाने की कोशिश की जिनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी वहाँ पर गल्ला मौजूद नहीं था। यहाँ उन लोगों ने कितना गल्ला आप दे रहे हैं एक आदमी को? सर, हम लोग जो है अभी मुस्लिम समाज की 20 लड़के अपनी आपसी मदद से मिलकर लगभग कुछ पैसे इकट्ठा करके गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया उसमें हम लोगों ने कच्चा माल लाकर एक व्यक्ति को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 1 किलो दाल, उसमें मसाले के पैकेट जिसमें धनिया मिर्च हल्दी और नमक का भी पैकेट हम लोग वितरण कर रहे हैं कि जिसमें एक हफ्ते का सामान आप एक आदमी के लिए पर्याप्त हो जाए। सुना आपने, एक हफ्ते की रोजी रोटी की व्यवस्था इन लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई जरूरतमंद हैं, फिर भी वो लोग यहाँ से सामान लेते हैं, इस तरीके से कई जगह जाते हैं और फिर उस सामान को वहीं मोहल्ले में फिर से जाके किसी दुकानदार को बेच देते हैं। मेरे साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है, हम उसी से पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने सामान लिया और क्यों बेचा? सर, मैं इसलिए बेचा कि मेरे पास तेल मसाले के लिए पैसा, उसमें मसाला भी था, दाल भी थी, चावल भी था, आटा भी था, रोटी भी थी, फिर तुमको ऐसी क्या जरूरत थी? और तुम कितनी जगह ऐसा करते हो? नहीं तो सर, कहीं, क्या नाम है तुम्हारा? कहीं नहीं करें सर, हमारा नाम धर्मेंद्र है सर, धर्मेंद्र कुमार गोस्वामी सर नाम है। बाकी और कभी को पहली बार लाइव में पहली बार किया हूँ सर। हर आदमी लाइफ में पहली बार कुछ न कुछ करता है, ऐसा संकट रीवा में पहली बार आया और आपने पहली बार ही हरकत की। मैं आपको बताऊं एक सबसे चौंकाने वाली बात है, जिस जगह पर यहां पर सामान रखा हुआ है, आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर सामान देख पा रहे हैं, यहां पर कच्चा सामान रखा हुआ है और यहीं से ठीक 25
मीटर की दूरी पर वह दुकान दिखाई दे रही है जिस दुकान पर वह व्यक्ति यहाँ पर सामान बेच रहा था। मैं आपको उस दुकान तक लेके चलूंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है। एक ऐसे लोगों का जो लोग अपने पैसे से, वो लड़के जो 2-2 रुपए इकट्ठा करके गरीबों की मदद करने का निर्णय किया था, जिन लोगों ने, क्या वो निकट भविष्य में इस तरीके की मदद कर पाएंगे? जब यहाँ के लोग ही, वहीं के लोग उसको खरीदेंगे, वह भी कम पैसे में, जबकि 100-200 रुपए की आज की तारीख में कोई कीमत नहीं होती। एक गरीब आदमी की रोजी रोटी के लिए की समस्या है, उसके बावजूद लड़कों ने यहाँ पर इंतजाम किया था, रोजी रोटी की व्यवस्था की थी, फिर भी ये बताइए आपने सामान क्यों खरीदा? पहले जी बताएं। मैं इसको 2 बार भगाई हूँ, मेरी जिठानी बैठी थी मेरे दरवाजे में, मैं अंदर से भगाई हूँ, यहाँ मेरे दरवाजे में रखा है, और 2 बार इसको भगाई हूँ, वहाँ से लौट के मैं जानती हूँ भैया कहाँ से लेके आया, और इसको मैं भगाई हूँ अपने दरवाजे। कितना पैसा दिया आपने? मैं को नहीं दी हूँ भैया, ये 20 रुपए नहीं पैसा, और ये भैया मैं इसको बोली थी मैं 20 रुपए ना लूंगी, क्यों लूं तेरा चावल? मैं इस तरह भी बोली हूँ उससे, मैं भगा दी हूँ अपने दरवाजे से, और ये मेरे दरवाजे में अंदर घुस गया है, मेरी क्या गलती बताइए? 500 रुपए का राशन दिया जा रहा है, 500 रुपए का राशन दिया जा रहा है ऐसे गरीब व्यक्तियों की, जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका ये परेशानी है कि सुबह का चूल्हा नहीं जल रहा है, शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं हो रही है, ऐसे लोगों की मदद करने के बाद वो 500 का राशन 200 रुपए के भाव में एक दुकानदार खरीद लेता है, तो हम कैसे करें? निश्चित रूप से यह आज की तारीख की एक दुखद बात है, दुखद घटना है। इस बात की जितनी भी बुराई की जाए, जो भी कहा जाए, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। खास तौर से तारीफ करनी पड़ेगी रीवा के लड़कों की, खासकर वो लड़के जो अपने दोस्तों को भी एक कप चाय नहीं पिलाया करते थे, लेकिन संकट की घड़ी में उन्होंने अपने तमाम जेब खर्च बंद कर दिए और उन पैसों से उन लोगों की मदद करने का निश्चय किया जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। फिर भी इस तरीके की घटना, बिल्कुल इस बात की निश्चित रूप से जितनी भी निंदा की जाए कम है। आपने जो भी किया आखिर ठीक है, आपने उस बात को टाला, निश्चित रूप से आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आपने आपने पैसा क्यों लिया, क्यों बेचा, ये बड़ा सवाल है, क्यों किया आपने? मैं इसको दी भी नहीं, कभी नहीं करेंगे सर। देखिए अब जब बात खुली तो यहाँ के सारे लोग इस बात को यह कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे या हमने पैसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये बात को पुख्ता करने के लिए सामान बेचने वाला, सामान खरीदने वाला, सामान देने वाला, तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस घटना को किसी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता। यह मदद उन लोगों के लिए थी जो लोग के पास राशन कार्ड नहीं था, जिनको सरकार भी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। गोगर मोहल्ले के लड़के इस मदद को कर रहे थे, लेकिन अब हमें तो नहीं लगता इस घटना को खुलने के बाद, इस घटना के जाहिर होने के बाद ये अब वो लड़के मदद कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, इन लड़कों ने अभी तक कितने लोगों की मदद की? हम लोगों ने सर अभी जो राशन वितरण केंद्र है डॉक्टर मुकेश यंगल के निगरानी में हम लोग समस्त अपडेट उनको देते रहते हैं, जिसमें से ये आप लिस्ट देख सकते हैं, लगभग 1000 व्यक्तियों को, 1000 लोगों की ये लड़के अभी तक मदद कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकट भविष्य में ये लड़के किस तरीके से इस अपनी जन सेवा को जारी रखते हैं। कोरोना के चलते आप भी घर पे सुरक्षित रहिए, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।